हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूँ। देखिए भैया, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ जानते हैं? अरे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैं सिखा दूंगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या निकालना सिखा दूंगा और साथ ही साथ मैं पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है वो भी मैं निकालना सिखा दूंगा। साथ ही साथ मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दूंगा और उसके साथ ही चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान, जिसको हम लोग बोर मैग्नेट कहते हैं, उसको भी निकालना सिखा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग पूरा देखना चाहते हैं ना? अरे आप लोग पूरा देखना चाहते हैं कि नहीं? अरे आज हम पूरा क्लियर कर देंगे, समझ रहे हैं ना? जो ये देख लिए ना, दुनिया में कभी भी इससे कोई भी संबंधित प्रश्न आएगा कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप समझिए मेरा बात और पूरा देखिएगा। अरे भैया, हमको समझाने का तरीका है ना, सो आप लोग देखिएगा तब ना समझिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले अफबाव नियम के अनुसार समझेंगे। कौन सा नियम? ऑफ बाउ। देखिए यहाँ पर ऑफ बाउ नियम, ध्यान दीजिए। अफबाव नियम क्या है? देखिए वन एस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको गोल गोल घेर देते हैं, अच्छा रहेगा समझने में। टू एस टू पी, ठीक है। थ्री एस थ्री पी थ्री डी। आप लोग केवल समझिएगा, थोड़ा सा देख लेते वहां तक आता है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा और कैमरा उधर घुमा देते हैं। चलिए अब क्लियर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के जो d होता है ना, संक्रमण तत्व होता है, दूसरका श्रेणी में फिर आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जानते हैं ना आवर्त कितने होते हैं? सात होते हैं। तो नीचे और बढ़ेंगे, 5s 5p 5d और 5f। और जानते हैं ना आप लोग, ब्लॉक चार गो होता है, यानी उपकक्षा चार गो होता है, एक s t d f, समझ रहे हैं ना। फिर 6s 6p फिर 6d फिर 6f और लास्ट हम लोग सतमा वर्त में चल देते हैं, 7s 7p 7d और 7f। तो हम लोग तो अब आइए गए हैं, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए भैया, आपको समझना है, आज पूरा क्लियर मैं कर दूंगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले भरेगा 1s, ठीक है, 1s भरेगा। फिर उसके बाद भरेगा 2s, फिर 2s का भरेगा 2p, तब इस पर गिरेगा। तो 2p के बाद भर गया 2p, तब 3s, फिर उसी तरह से, ठीक है, 3p 4s, फिर 3d 4s 5p 3d 4s 5p, ध्यान दीजिएगा। अब बाद में गिराएंगे, अब पहले समझ लेते इतना ही को, अब धीरे धीरे गिराते चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा भैया, आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूं। सो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले देखिए, एस में होता है एक से लेकर के दू तक, पी में होता है एक से लेकर के छ तक, डी में होता है एक से लेकर के दस तक, एफ में होता है एक से लेकर के चौदह तक, इतना याद रखिएगा। पूछेगा कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो छ इलेक्ट्रॉन, एक से छ तक, मैक्सिमम छ और मिनिमम एक, फिर इसमें मैक्सिमम दस मैक्सिमम चौदह, बात समझ गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आज हम आप लोगों को सिखाऊंगा मैं ऐसा कि कभी भी नहीं भूल पाइएगा। हाइड्रोजन का हो गया, देखिए पहला है, इसका परमाणु संख्या एक है, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, याद रखिएगा। देखिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो वन एस वन, क्योंकि डायरेक्ट टू नहीं भरना है, पहले वन एस है तो वन एस लिख दिए। फिर हीलियम का होता है क्या, देखिए फिर इसमें दो नंबर में 1s, ठीक है, इसका परमाणु संख्या दो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दो, तो 1s 2, ध्यान दीजिए। दूसरा का भर गया कि पहला का, पहला के भरा है तो पहला का आवर्त भर गया है, ठीक है, पहला का आवर्त भर गया है। अब देखिए हीलियम के बाद आता है लिथियम तीन नंबर में, तो 1s 2, और देखिए 1s 2 s कितना, दो तक ना। अब हम लोग 2s पर आएंगे, तो 2s आ गया क्योंकि 1s के बाद 2s पर ना गिरा है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो 2s
अब यहाँ पर तीन है, यहाँ पर पहले से दो भरा हुआ, एक के ना भरेंगे, तीन हो गया। उसी तरह से बेरिलियम चार, बोरॉन पांच, कार्बन छ, नाइट्रोजन सात, ऑक्सीजन आठ, ठीक है, समझ गए। अब उसी तरह से फ्लोरीन नौ, नियॉन दस, देख लेते इतना आता है कि नहीं। चलिए नियॉन तक आ गया है, ध्यान दीजिएगा, इसका वन एस टू टू एस टू। अब देखिए दूसरका एस में तो दुई तक में भरता है, एस में दुई तक भरता है, तो दो तक तो भर गया, समझ रहे हैं, दो तक तो भर गया। तो पूछेगा हाइड्रोजन कौन सा ब्लॉक किया, तो एस में भरा एस ब्लॉक, हीलियम भी एस ब्लॉक, लिथियम भी एस ब्लॉक, बेरिलियम भी एस ब्लॉक, इतना बात आप लोग समझ रहे हैं ना। लेकिन यह जो है अपवाद में है, यह अपवाद में है, ठीक है, ये पी ब्लॉक के अंतर्गत भी आ जाता है, ये अपवाद में याद रखिएगा, बाद ये सभी उसका देखिए वन एस टू टू एस टू, ठीक है। दूसरका अवर्त में हम लोग है, अवर्त भी मैं अंतिम में बताऊंगा किस प्रकार से अवर्त संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। अब देखिए 2s के बाद भर गया, तो पहले किस पर गिरा, 2p पर गिरा, तो हम लोग 2p लिखेंगे, और 2p पर कितना भरेंगे तो एक लिखेंगे, बात समझ रहे हैं, एक लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहां पर, इसमें ध्यान दीजिए 1s2 2s2 2p 2 भरेंगे, 2p 2 भरेगा, बात समझ रहे हैं। फिर उसके बाद 6 तक भरेगा, तो यानी कि 1s2 2s2 2p 3 भरेगा, दो दो चार तीन सात, फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p 4 भरेगा, फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p 5, फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p 6, यानी कि p मैक्सिमम 6 तक है। तो ये जो है नियॉन अक्रिय गैस हो गया, ठीक है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितना आ गया हम लोगों को, 8 आ गया, तो जिसके जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 आ जाएगा ना, वो सब अक्रिय गैस, बात इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अगले मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 10 तक हो गया। अब देखिए 11 के, 11 में होता है सोडियम, तो सोडियम की 11 आप जहां तहां से निकालना सिखा देंगे, ठीक है, सोडियम का 11 होता है, तो देखिए 1s2 2s2 2p6, ठीक है, यहाँ p तक तो भर गया, p के बाद किस पर आया है, तो 3s पर, तो 3s1, ध्यान दीजिएगा 3s1, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा मैं निकालना सिखा देता हूं। देखिए हाइड्रोजन किस अवर्त का है, तो प्रथम अवर्त के, कौन सा ब्लॉक, तो एस ब्लॉक, इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो एक है। उसके बाद हीलियम में पूरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, प्रथम अवर्त में आता है, एक लिखा हुआ है, ये जो है अवर्त को दर्शाता है, ये भी अवर्त को दर्शाता है। तो देखिये बाह्यतम वाला को हम लोग कहते हैं, तो देखिये बाह्यतम यह ना है, तो लिथियम हो गया दूसरका अवर्त के, बोरॉन अथी बेरिलियम भी हो गया दूसरका अवर्त के, देखिए बाह्यतम में है, बोरॉन हो गया दूसरके अवर्त के, देखिए यहाँ पर से दूसरका है, यानी कि यहां से लेकर के ये सभी दूसरका अवर्त के हैं, ये सभी दूसरका अवर्त में है, बात समझ गए, ये सभी जितना जो है दूसरा अवर्त के है। अब यहाँ पर देखिये दूसरा अवर्त भर गया है, अब इधर हो गया तीसरा अवर्त, फिर आ गया तो तीसरा अवर्त के है। अब पूछा सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक है, कितना है, एक है। अब देखिए सोडियम का देखिए मैग्नेशियम में 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, देखिए 3s2 भर गया, तो इसमें कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो दो है, ठीक है, अवर्त कौन है, तो समझ ही रहे तीसरका अवर्त है, बात समझ गए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर s ब्लॉक में भर रहा है, तो मैग्नेशियम सोडियम सभी s ब्लॉक का हो गया, ये सभी जो है अंतिम में p में भर रहा है, कार्बन बोरॉन ये सब, ये सभी पी ब्लॉक का हो गया, बात समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं पूरा, चलिए ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसी तरह से मैग्नेशियम है, तो एल्युमिनियम का भी 13 में होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p, और 3p को मैं कैसे लिख दिया हूं, से देखिए 3s भर गया है इसे, अब किसको पर गिरा है, देखिए 3p पर नहीं गिरा है, तो 3p1 अभी 6 तक जाएगा, यानी कि आर्गन पर चला आएगा, 1s2 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कि 18 नंबर में होता है। तो देखिए भर गया, इधर देखिए बाह्यतम कक्षा में, देखिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है जानते हैं, दुआ एक तीन है, समझ रहे हैं ना, इसका एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तीन है,
और आवर्त तीसरका में है, आवर्त भी मैं निकालना सिखा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें आवर्त तीसरका है ये आर्गन, लेकिन कहने का तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन आठ है, ठीक है आठ है, और जिसके जिसके बाह्यतम कक्षा में आठ वो इलेक्ट्रॉन है वह जो है अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस होता है। क्या हो जाता है? अक्रिय गैस होता है। अब देखिए, अब बीसों के निकालना एकदम आसान हो गया है, उन्नीसों के तो उन्नीस में पोटेशियम, ध्यान दीजिए उन्नीस में पोटेशियम, तो देखिए पोटेशियम के हो गया, पोटेशियम के हो गया, के हो गया, तो ध्यान दीजिए पोटेशियम के हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए ध्यान से, ये तो भर गया, कहने का मतलब ये भर गया। अब कहाँ पर हम चले आएंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से, 3p के बाद कौन सा है? 4s, तो 4s1, 4s1, ठीक है। अब 19 हो गया, अब कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम में? तो एक है, जानते हैं ना के पर एगो प्लस होता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निकलता है। और कैल्सियम के 20 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम समझाना चाहते हैं। अब जो है 4s2, ठीक है, भर गया, s भी भर गया। अब 4s के बाद किसके ऊपर आएगा? तो 3d पर आएगा, समझ रहे हैं, 3d पर आएगा। तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं ये सिखाऊंगा निकालना, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है वो भी मैं सिखा दूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए इतना। चलिए शॉर्ट स्केल ले लिए हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर से मिटाते हैं पूरा। आप लोगों को केवल शॉर्ट स्केल लेते हुए रहना है, आप लोगों को सीखना है, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्कैंडियम के बाद, 20 के बाद स्कैंडियम होता है 21 में, ठीक है 21 में। अब मैं सिखा रहा हूं जो बात, वो बात आप लोग एकदम पूर्ण रूप से ध्यान में रखिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है 3p6। अब 18 है, अब ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहे हैं, तो 3p6 और 4s2 तो भरा हुआ है, 4s2 भरा हुआ है ना, तो 20 हो गया कैल्सियम तक। अब 21 में जाना है, तो देखिए 4s के बाद हम लोग को 3d ना, देखिए 3d हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है इस बात ध्यान दीजिए, क्यों ध्यान में रखना है कि 3d हम बाद में लिखते, बाद में तो लिखते, हम बात समझ रहे हैं आप लोगों का भी, लेकिन पहले लिख देंगे ना 4 से पहले तो अच्छा लगेगा। भले ही भरा हुआ है पूरा, लेकिन भरेंगे हम लोग इसमें एक, अब हो गया 21। देखिए जोड़ करके, इधर 28 पूरता है, इधर 20 आई है 21, बाद में नहीं इसमें भरे हैं, ऐसा ना कि इसको बाद में भरे, पहले तो इस पहले ही भर रहा है, पहले से भरा हुआ है 20 में। अब यहाँ पर 21 हो गया, उसी तरह से मान लीजिए क्रोमियम के निकाल देते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट है वीवीआई या क्रोमियम के 24, ठीक है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है 3p6, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 3d लिख दिए, अब 4s पहले से भरा हुआ है 2, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे ना, तो ये वाला हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा जानते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 गो होता है तो इसमें 2 से भाग देंगे तब 5, एफ ऑर्बिटल में 14 होता है इसमें 2 से भाग देंगे तो 7। तो जब भी डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल अर्ध भरा रहता है ना, तो उसको हम लोग अर्ध भरा होने के लिए, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3d और 4s1 करेंगे, d पर लिखेंगे 5। अब ऐसा क्यों हुआ से ध्यान दीजिए, 4 लिखे तो इसका अस्थायित्व कम था, 4 जैसे ही आएगा इसमें से एक कॉमन ले लेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि इसका अस्थायित्व बनाना है, एक इससे ग्रहण कर लेगा अस्थायित्व के दृष्टि से, अधिया बात समझे, अधिया या पूर्ण, आधा या पूर्ण, बात समझ गए। उसी तरह से कॉपर का भी निकाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 29, याद रखिएगा वीवीआई है, ठीक है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये राइट है।
उसके बाद 3D, 4S, 2। अब यहाँ पर देखिए ये 29वें का ऊपर, यहाँ पर अगर 9 लिखते हैं तो ये भी गलत। और राइट कौन होगा से देखिएगा ध्यान से, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 9 नहीं लिख करके यहाँ पर 10 लिखेंगे और इसमें 4S1 लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखा गया है बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका अस्थायित्व जो है कम था, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्योंकि अर्ध भरा या पूर्ण भरा, डी में बताए थे ना, या तो पूर्ण भरा या तो अर्ध भरा, मैं बताया हूं ये राइट है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं, अब मैं आप लोग को बता रहा हूं जो बात, वो बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या बताने जा रहा हूं मैं। तो कहने का अर्थ हुआ क्या कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर डी इसमें भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए क्लोरीने के हम लोग लेते 17 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हो गया, 5 है, बात समझ रहे हैं 5 है। अब यहाँ पर देखिए पीए वाला लिखेंगे, पी के 3 गो डब्बा होता है, मैक्सिमम 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो क्या है 3p है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, याद रखिएगा, एक ऊपर और एक नीचे, तो सबसे पहले ऊपर भरता है उसके बाद नीचे की ओर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1, 2, 3 भर लिए, उसका नीचे 4 और ये 5, इसमें भर देते तो 6, तो पूरा भरता है ना, सो अक्रिय गैस होता है, क्या होता है अक्रिय गैस होता है। अब ध्यान दीजिए इसी से हम लोग निकालेंगे μEFT बराबर, मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बराबर, ये मान पूछ दिया जाता है, तो ध्यान दीजिए आप लोगों को बहुत मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ एन, यानी कि कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो एन, तो देखिए एन, तो एन के जगह पर क्या लिख देंगे 1, ठीक है, और 1 × 1 प्लस 2 फॉर्मूला है, इधर BM लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या आ गया, तो 1 × 2 1 × 2 3 और √3 BM। कोई दिक्कत है निकालने में, कोई दिक्कत तो है तो बोलिएगा, बोलिएगा आप लोग, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ किसका, सो ध्यान दीजिए, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को मैग्नीज का 25 होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिएगा, बात समझ रहे हैं, अगर शॉर्ट स्क्रीन नहीं लेते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है, मैं आगे सिखाऊंगा, मिटा देता हूं कि, ठीक है, ध्यान दीजिए। आप लोगों को सिखाना है, देखिए ये हो गया आप लोगों को लोहा, लोहा के 26 होता है, मैग्नीज के 25 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, देखिए 3d। अब यहाँ पर देखिए 20 हो गया इधर, इस यहाँ तक 18 है, 2 20, 25 पुराना, तो यहाँ पर 5, इसमें से अब तो कॉमन नहीं लेना है, इसको 5 पुराने के लिए कॉमन नहीं लेगा, क्योंकि 4 रहता था तब इससे कॉमन लेता था, 5 है, ये है, कॉमन नहीं लेगा। तो अब देखिए इसका निकालना सिखा देते हैं, फिर लोहा के सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अरे आज आप लोगों को एकदम पूरा सिखाइए देना है, ठीक है। अब देखिए μEFT, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, डी है, डी में होता है डब्बा का, वो जानते हैं 5 को होता है 3D, देखिए पहले ऊपर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें पूरा भरा हुआ नहीं ना है, इसमें एक खाली था, तो एक लिखे थे एन के बाद, अब इसमें देखिए सब के सब खाली है, नीचे नहीं रहे कोई में, तो आधा अधूरा है, तो आधे अधूरा वाला को हम लोग अयुग्मित कहते हैं, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 5 अयुग्मित है, कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें था 1, इसमें 5, तो देखिए बराबर एन के मान, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो एन के मान यहाँ पर दे दिया 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 + 2 = 1 BM, ठीक है। उसके बाद देखिए
रूट अंडर पांच दूसरा सात पांच पैतीस बी एम। बताइए कोई दिक्कत उक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बताने जा रहा हूं मैं, आप लोग केवल देखते रहिए, समझाना मेरा काम है। आज आप लोगों को फुल्ली एकदम समझ जाना है। लास्ट है लोहा का 26, 3D, 4S2 और 3D। देखिए अब यहाँ पर 20 हो गया, अच्छा और लिखना है तो 26। अब ध्यान दीजिए D में कितना भरता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डब्बा होता है। सबसे पहले ऊपर की ओर ले जाते हैं, 5 भर गया। और यहाँ पर D में है कितने, तो 6 है। अब हम लोगों को देखिए 6 है तो ये 5 को ना पूरा है तो इसमें नीचे गिर जाएगा। अब अयुग्मित का वो है 1, 2, 3, 4, 4 है ना, 4 ना है अयुग्मित, तो अयुग्मित 4 है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे म्यू ई एफ टी बराबर रूट अंडर 4 ना है तो 4 4 प्लस 2 बी एम। देखिए 4 2 8, 8 4 32 तो सॉरी 6 4 2 6 6 24 बी एम। या टूटेगा तो तोड़ दीजिए, 2 × 2 × 2 × 3 बी एम, फिर भी तो बाहर आएगा 2 और रूट में रह जाएगा 6 बी एम। यही इसका आंसर हुआ। तो कहिएगा आप लोग, आप लोगों को समझ में कहीं तो दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और नहीं है दिक्कत तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे पूरा समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।